मैंने परसों इंस्टाग्राम में ये ऐसे लाइक स्क्रॉल कर रहा था वीडियोस, तो कहीं ऐसा देखा कि नेवर जज बुक बाय कवर्स, जो कि सही में बहुत लाइक मुझे ऐसा लगा बहुत बड़ी बात है ये। तो ये बात सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक थॉट्स आए, थॉट्स के जो कि मेरे साथ हो चुका है, तो मैं उस बारे में सोचने लगा लाइक मैं अपने बारे में सोचने लगा कि बात तो सही है यार, अपन दिखते होंगे काइंड ऑफ कि इस लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता होगा, कुछ भी है चीज़ें समझ में नहीं आता होगा, जनरल लोग हैं काइंड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो लाइक कुछ भी नहीं आता होगा उनको, दुनिया का कुछ पता आता पता है नहीं, सिर्फ खाना पीना काम करना बस इतना अपने को पता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है शायद, और ऐसा ही है। तो बेसिकली हुआ कुछ ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगता है वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है शॉर्ट में बताऊंगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ज़रूरी है आपको, मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मुझे लगा है कि ये बात जो है हुई है ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों से शायद ऐसा होता हो। तो बेसिकली शॉर्ट में बताता हूँ जितना मेरे से हो पाएगा, अगर पूरा कह सकता हूँ मैं वीडियो में पूरा बोलूँगा, अदरवाइज़ देखते हैं क्या होता है ना, लेट्स सी कितने मिनट्स का वीडियो होती है। तो बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही लाइक बोलने में मुझे अभी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें जो भी हुआ है शेयर करूँ। बेसिकली हुआ कुछ ऐसे है, मैं जनरल में ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो मैं जहाँ पे रहता हूँ बैंगलोर में रहता हूँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो काइंड ऑफ उनके साथ ही रहता हूँ मैं, जो मेरा वेट पे लाइक पूरा चीज़ें मेरे साथ में है, जैसे कि फूड रूम प्रोवाइड एवरीथिंग मेरी है, तो लग्जरी सब ऑल गुड है, ए टू जेड ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं, ऑल सेट। चीज़ें हुई कुछ ऐसे हैं, सैटरडे नाइट था, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं ये जो हुआ है उस चीज़ों में डिस्कस करना चाहता हूँ बस। तो हुआ कुछ ऐसे है कि रात के अराउंड 4 o'clock हो रहा है, और वैसे पार्टी वार्टी करे घर के लोग, कुछ लोग थे पार्टी वार्टी करे, तो मुझे है कोई मुझे आके बुलाया, भैया बुलाए, तो बुला के बोले भाई इनको यार प्लीज़ ड्रॉप कर दे कहीं, मामला जो है गाड़ी के रिलेटेड ही है कुछ। तो रात के 4 बजे रहते हैं, तो मुझे लगा यार ये लोग पीके ओके हैं ड्रंक थे, तो मुझे लगा चलो ठीक है तो ड्रॉप कर देते हैं कोई नहीं। तो मैं तो अपना उठ गया, उठ के चलो ठीक है यार, वो जो बंदा ड्राइविंग करता है वो है नहीं बेसिकली, तो है था बेसिकली तो फीवर था, तो मैं चला गया उसके बदले जान दे, ठीक है इट्स ओके फाइन बोल गया, तो मैं चला गया भाई। तो उनका जो लोकेशन था अराउंड आई थिंक 40-45 मिनट्स कुछ था दूर, वो भी 4 बजे के बाद नहीं, मतलब अगर दिन में जाऊँगा तो बहुत लॉन्ग है, तो रात में है नहीं गया जो भी है, रात में है उनकी, रात में उनको ड्रॉप करना था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, दो लड़की थे, तो उनको मैं वैसे ड्रॉप करने जा रहा था, मर्सिडीज बेंज था कार, तो उनको मैं ड्रॉप करने लगा था। ड्रॉप करने के बाद अराउंड मैं 10-15 मिनट्स गाड़ी चला चुका हूँ, अराउंड समझ ले रात के टाइम था, तो 8-10-12 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं, तो उनकी जो लोकेशन था वो अराउंड 20 किलोमीटर्स और 24 किलोमीटर्स आसपास था कुछ। तो एक 15 मिनट जाने के बाद एक लड़की बोलती है, ड्रंक थे पर ये लोग याद रखो, मेरे को एक लड़की बोलते आर यू ड्राइवर, तो मैंने बोला, पहले कुछ बोला नहीं मैंने बेसिकली, मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर से पूछा आप ड्राइवर हो क्या, आई मीन ड्राइव करते हो क्या ड्राइवर, मैं बोला नहीं ड्राइवर तो नहीं हूँ, तो मैं अपना काम पे मतलब रख रहा हूँ भाई, मुझे क्या है जान दे। तो मैं उनको इग्नोर किया, इग्नोर मीन्स किया मेरे को सुनना नहीं क्या है भाई, क्योंकि ड्रंक वगैरह थे तो मेरे को उतना नजर नहीं देना था, सुनना नहीं था उनकी बात जो भी है। तो शी वॉज सेइंग लाइक मेरे को ऐसा बोल रही है मुझे तो मैं ड्राइव करता हूँ, तो मैंने बोला सॉरी मैं तो ड्राइव करने नहीं दे सकता हूँ, अगर वो ड्रंक होती भी नहीं तो भी मैं नहीं देता, और आफ्टर ऑल ड्रंक है तो मैं वैसे भी नहीं दूंगा है ना, पी के है तो मैं कैसे दूंगा। तो मेरे को बोल रहे जिन्होंने जिनकी कार है बेसिकली, वो बोल रहे हैं मैं उनका फ्रेंड हूँ, वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, मेरे को कार दो आई विल ड्राइव। तो मैंने बोला सॉरी मैं तो दे नहीं सकता कार। तो मेरे को बोल रहे ऐसे ही कि भाई तुम्हें कार देना होगा, अदरवाइज़ तुम्हारे नाम पे मैं कंप्लेन करूँगा। तो मैंने बोला ठीक है वो आपकी लाइक आप जो वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन। तो मैंने बोला, तब तक मैं हिंदी में बोल रहा था ये आपको शायद मैं बोल दे रहा हूँ, तो मैंने बोला भाई आपको जो करनी है आप कर लो, मैं तो कार तो नहीं दे सकता। तो बहुत ज़िद की है, बहुत ज़्यादा कुछ कुछ तो बोल रही थी, तो
तो दूसरी लड़की जो थी उसके साथ लोग वो सही ना, मेरे को लगता है ज़्यादा ड्रंक नहीं था, तो प्रॉपर बोल रहा है, उसको समझा रहा है कि भाई मत बोल, छोड़ दे ये सब बातें, मत बोल छोड़, ड्रंक है तू, पी के है तू, नहीं कर सकता ड्राइव, छोड़, वैसे भी देगा नहीं तो छोड़ दे, बेचारे को क्यों बोल रहा है। तो दूसरी लड़की वो बोल रहा है, सामने वाले जो मेरे से बात कर रहा था उसको अंग्रेज़ी में बोल रहा है कि इनको समझ नहीं आता, ही इज़ ए जस्ट ड्राइवर, सो आई विल कंप्लेन, मैं कंप्लेन करूँगा इसके नाम पे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ी में झाड़ रहा था उसको। तो शी थॉट अपन अनपढ़ है, अपने को अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती है, और शायद बोलना भी नहीं आता, बोलना कि उसको लग रहा है, पक्का है वो कि अपने को बात करना नहीं आता अंग्रेज़ी, और समझने भी नहीं आता। तो वो मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं जो कि मैं ये वर्ड जो है इसमें इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ। तो वो क्योंकि मेरी लोग फैमिली मेंबर्स वगैरह भी शायद वीडियो देख ले, तो यू नो बोल नहीं सकता, अब समझ जाऊँ। शी वॉज टॉकिंग अबाउट मी लाइक बहुत ही ख़राब वाहियत चीज़ें मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा है बंदा, वो सा है, माँ वो कर दूँगा, ये कर दूँगा, वट एवर यू नो काइंड ऑफ चीज़, समझ जाऊँ। तो सामने वाली लड़की बोला उसको समझ में आ जाएगा, दे आर टॉकिंग लाइक वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो सामने वाली जो लड़की मेरे बारे में बोल रही थी वो बोल रहा है खास समझ में आएगा, ये पर अनपढ़ हैं ये लोग, इनको कुछ भी नहीं आता है ना, काइंड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स शी इज़ टॉकिंग अबाउट मी। तो मैं तो भैया मैं सहरा हूँ, यू नो काइंड ऑफ, मैंने बोला जान दे यार ये लोग ड्रंक हैं पी के हैं, मैं क्या ही बोलूँ, जान दे। तो एक हद तक है ना लिमिट होती है, लिमिट मेरी क्रॉस हो गई। सो मैंने बोल दिया है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, इरीटेट इतना हो रहा था, मतलब A1 इरीटेट हो रहा था मेरे को, दिमाग की बैंड बच चुकी थी मेरी। तो मैंने उसको बोला कि भाई डू यू थिंक आई डोंट नो इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई थिंक आई कैन स्पीक बेटर देन यू। सो शी इज़ सेइंग के डू यू नो इंग्लिश, अदर गर्ल लाइक वो लड़की नहीं बोल रही है, दूसरी लड़की जो शी वो लड़की मेरे को बोल रहे हैं डू एनी इंग्लिश, मैं ऑफकोर्स आई नो। तो मैं वो बोल रही है भैया जो भी बोल रही है बुरा मत मानना, शी वॉज ड्रंक नो इसलिए बोल रहा है, आई मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। देन लाइक वो फिर से मेरे को यू नो वैसा कर रहा, आई वॉन्ट टू ड्राइव, मेरे को ड्राइव करनी है करनी, आई विल डू ड्राइव अदरवाइज वगैरह वगैरह, यू नो शी वॉज टॉकिंग अबाउट मी वेरी वाइडली। आई सेड आई टोल्ड हर आई कांट गिव यू कार, कुछ भी हो जाए आई एम नॉट एबल टू गिव यू कार, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं। तो मेरे को ना एक लिमिट, मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ, बहुत लॉन्ग स्टोरी है, मेरे को लगता नहीं वीडियो में पूरा बताऊँगा। तो वो मेरे को ऐसा बोल रही है, मैंने बोला भाई मेरे को बहुत इरीटेट हो रहा था अभी, नहीं काइंड ऑफ यू नो ओवर हो रहा था। सो मैंने बोला उसको अभी मैं सोच रही हूँ अभी क्या करूँ क्या नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था पूरा। तो मैंने बोला चलो एक दिमाग में एक आइडिया आया मेरे को, कुछ नहीं कर सकते भाई, शी वॉज टॉकिंग अबाउट मी वेरी वेडली, सो यही ऑप्शन था मेरे पास, अदरवाइज वो ऐसा मेरे को पुश कर रहा था कि शी वॉन्ट टू ड्राइव, उसको ड्राइव करनी थी। एंड शी वॉज सेइंग वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, शी वॉज सेइंग दैट बिफोर लाइक ये सब मेरे बारे में जो भी यू नो नेगेटिव बातें की है मेरे, उससे पहले मेरे को बोल रही थी आई ऑल्सो हैव सेम कार, लिसन शी वॉज सेइंग आई ऑल्सो हैव सेम कार। तो मेरे दिमाग में ये है कि इफ़ यू हैव लाइक, मैं तो उसको बोला नहीं पर मेरे दिमाग में पहले ये था कि इफ़ यू हैव सेम कार देन यू वाई यू वॉन्ट टू ड्राइव दिस कार, अगर मेरे पास सेम कार है मैं तो ड्राइव करूँगा ही नहीं ना, समझ रहे हो। तो भरी भरी फेंक रही है नो काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें फेंक रही है, तो मुझे तो चलो ठीक है फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद मैंने क्या किया उसको, मेरे को बहुत इरीटेट हो रहा था, फिर मैंने क्या किया उसको बोला ठीक है फाइन मैं आपको ड्राइव देता हूँ। तो एक दोनों पीछे थे, मैंने दोनों को बोला अब दोनों सामने आ जाना, आई विल सिट मैं बैक साइड में बैठता हूँ, अब ड्राइव करो वट एवर यू टू गाइज वॉन्ट टू डू यू कैन। तो मैंने जहाँ पे जा रहा था दोनों साइड में जंगल था, एक्चुअली मैं कुछ करने लायक नहीं था भाई, दे आर टॉकिंग अबाउट मी वेरी बैडली, यू नो बहुत सारी चीज़ें मेरे को बहुत इरीटेट हो रहा है, आई कैंट कंट्रोल माई सेल्फ, इवन मैं कॉल कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे को भेजा नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लाइक उनका कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा। सो मेरे को अभी कोई लाइक यू नो कोई दूसरा वे नहीं, तो मैंने एक ही दिमाग लगाया भैया आराम से बोला उनको ठीक है, साइड में कार लगाई, कार लगा के बोला कि ठीक है आप निकलो आप ड्राइव करो मैं पीछे बताऊँ, दोनों उतर के सामने आ जाओ मैं पीछे बैठूँगा अपने कंफर्टेबल होकर। दोनों आए और सुबह के 4:30 गए, बेसिकली सुबह सुबह थोड़ा बहुत ही ना काइंड ऑफ सुबह होने वाला था ऐसा था टाइम, तो जब तक उनसे बेकार की बातें चल रही तब तक तो हो ही जा रहा था। दोनों जैसे ही उतरे भाई दरवाज़ा लगाए मैंने खींच दिया गाड़ी, तो गाड़ी की एक्सेलरेटर दबा के चला गया मैं, जाके मैं पीछे से बाय मैं बोल रहा टाटा। देन उसके बाद तो और बड़ी मसला हुआ है,
जो कि मुझे मेरा गला सूख गया, तो मैं चाहता हूँ दूसरी बार वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोगों का सुनना है ये चीज़ें तो ही बना पाएंगे, अदरवाइज अपने तक ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और ये जो बताया बहुत ही लाइक काइंड ऑफ, शायद बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड भी नहीं किया, और भी चीज़ें हैं ऐड करने का, पर वो तो हाई लेवल वाला है भैया, मतलब पूछो ही मत। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर बना पाए।